टिकट ले लिया है 25 रियाल ईच, 2% 50 रियाल, 50 रियाल। सो इंशाल्लाह वी विल गो इन द म्यूजियम एंड सी द मदीना थिंग्स। ये वो जगह है जहाँ पे जो है वो खाने काबा की जो है ना तामीर हुई थी। पहले तो इसी तरीके से ये इलाका होता था, यहाँ पे पानी वगैरह कुछ भी नहीं होता था, और यहीं पे जो है ना ये सफ़ा है, ये जो छोटे छोटे टीला बना हुआ है, एक सफ़ा एक मरवा है, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से यहीं पे पानी निकला था। बाद में जो है जब पानी निकल आया तो लोगों की आबादियाँ यहाँ पे शुरू हो गई तब ज़माने की वजह से, और यहाँ पे जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाने काबा बनाया था, उन लोगों ने यहाँ पे बुतों की पूजा फिर बाद में शुरू कर दिया इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद। ठीक है, ये उसी की जो है वो चल रहा है मुमताज मुमताज इब्राहिम के दौर में, तो यहाँ पे खाने काबा में बुत नहीं थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम के 350 साल के बाद यहाँ पे ये मामला हुए थे, फिर ये आबादी बढ़ती गई वगैरह। सफ़ा मरवा के ऊपर भी वो बन गए, घर बन गए। ये जो है ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जो मुल्क शाम का उन्होंने सफ़र किया था, जो तजारत के लिए जाते थे, और फिर बीबी खदीजा ने आपको शादी का पैगाम पहुंचाया वगैरह, आपको का माल लेके वो तजारत करते थे, वो सारा किस्से दरी हुआ था। और ये वो जो है कि जब खाने काबा पे कमला हमला करने जब कुफार आए तो लोग डर के पहाड़ों के ऊपर चढ़ गए, और फिर खाने काबा की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने अबाबील भेजे। ये आप देख सकते हैं कि मुँह में कंकर थे जो गिरता है वो लोग मर जाते थे, और ये हाथी इसने भी आगे जाने से मना कर दिया था, उसको पता चला खाने काबा पे जा रहे हैं तो ये वहीं बैठ गया था, ये आगे नहीं जाता था। और ये वसलम की विलादत का वाक़ है कि ये खाने काबा है और इसके बिल्कुल सामने ये वो मकान है जहाँ वसलम की विलादत हुई। सुभान अल्लाह। ये वही तजारत वाला वाक़ है, बल्कि ये जो है ना ये अबवा का मकाम है जहाँ पे बीबी आमना का इंतकाल हुआ था। ये वो था ना जब उस साल 6 साल की उम्र में मदीने गए थे, तो हाँ उन्होंने 6 साल की उम्र मदीने गए थे, रास्ते में इनके वालदा वालिद के उसमें भी गए थे, कपड़े मुबारक भी गए थे, और बीच में इनकी वालदा का इंतकाल हुआ। और ये शाम में जो तजारत की थी वो वाला है। सो ये वाला है मिस्टेक मेरे से हुए, खुरो जन्नबी फिर तजारत से ही तो शाह मजा हो जो मैंने हक अब लोग छाया करते थे। ये खाने का बाकी मजीद तामीर, और ये जो हजरत अस्वद नस्ब किया गया था, तो वसल्लम ने तमाम कबीलों को कहा था कि एक चादर पकड़ लें, फिर वसल्लम ने हाथों से हजरत अस्वद नस्ब किया था। ये गारे हीरा है जहाँ पहली वही नाजिल हुई। दार अरकम ये वहाँ ज़्यादा थे, उम्र फारूक इस्लाम लेके आए थे, सामने दार अरकम है, सफ़ा पहाड़ी के करीब है दार अरकम जो है ना, सफ़ा के लेफ्ट साइड या राइट साइड पे ही है। आज खाने का बाद इसी तरफ इसके सामने सही किले में जाते हैं ना सफ़ा मरवा, वहीं पे दार अरकम था, ये जो पीछे घर बना हुआ है ना यहाँ आता उम्र फारूक ने इस्लाम कबूल किया था, 40 मुसलमान होते।
और ये कि कैसा चल रहा है तजारत चल रही है। ताइफ का मैदान है जहाँ जहाँ लोगों ने उसको पत्थर मारे थे और फिर अंगूरों वाले बाग में गए थे, वहाँ से कुछ अंगूर ला गया, तो वो किस्सा जो आगे हुआ था। और ये मेराज का वाक्य है। खाने काबा, मस्जिद नबी और मस्जिद बैतुल मुकद्दस, ये बिल्कुल एक ही लाइन में। तो यानी कि अगर आप मस्जिद नबी भी होंगे तो खाने काबा 180 डिग्री पे होगा, बैतुल मुकद्दस में भी होंगे तो भी खाने काबा 180 डिग्री पे होगा, और अगर मक्का मुकरमा पे होंगे तो 180 डिग्री पे आप बैतुल मुकद्दस और मस्जिद नबी होगा, तीनों एक ही सीध में। और ये मीना का मैदान है कि जहाँ रसूल सल्लम दावत तबलीग करते थे। और फिर ये जो है मक्के से मदीने हजरत की जा रही है, लोग सहाबा करम दो 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 करके जो है वो मदीने पाक जा रहे हैं। और फिर ये वो वाकया है कि जहाँ रसूल सल्लम अली को अपने बिस्तर पे सुलाते हैं और हजरत कर जाते हैं, तब वो बकर सदीक से अपने ऊँटने में बैठ के और फिर गारे सौर में आते हैं और गारे सौर में जो है वो मकड़ी जाला बनाती है और आपकी हिफाजत के लिए। पहले जो है जो गिलाफ काबा होता था वो बाहर ममालिक से यहाँ पे लाया जाता था, तो इस डोली में जो है ना वो लेके आया जाता था बाहर से जब आता था। अंगूरों वाला बाग, ये तो सलम मेराज पे गए थे बैतुल मुकद्दस से, मक्के से बैतुल मुकद्दस और फिर वहाँ से गए थे। पहले ऐसे था कि ये खाने काबा है, ये मदीना है और ये बैतुल मुकद्दस है। पहले बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज पढ़ते थे, बिल्कुल अपोजिट में खाने काबा। ये मक्का है, ये मदीना है। ये जो है ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना ने हज़रत अली को अपने बिस्तर पे सुलाया था, अबू बकर सिद्दीक को लेके जो है ना वो हिजरत के लिए गए थे। हिजरत के लिए गए थे तो रास्ते में ये गारे सौर आता है और यहाँ पे दोस्तों आराम करते, जिसमें जो है ना कबूतर ने अंडे दे दिए थे, मकड़ी ने जाला बना दिया था, ठीक है। और ये जो है बाकी जो मामला हुए थे। ये कस्वा, ये हुज़ूर सल्लम की ऊँटनी थी और हुज़ूर सल्लम ने अपना तमाम जरत का सफ़र इसी पे बैठ के किया था। और मस्जिद नबी में जब मदीने में भी दाखिल हुए थे तो उसने कहा था कि जहाँ ये ऊँटनी रुकेगी वहीं पे हुज़ूर सल्लम ने जो है फिर मस्जिद हमें की थी, जहाँ मस्जिद नबी है। और जब हुज़ूर सल्लम का विसाल हो गया था तो ये ऊँटनी ने खाना पीना छोड़ दिया था और इतना रोई थी उससे इसका भी इंतकाल हो गया था। रो रो के जो है ना अंधी हो गई थी ये और फिर इंतकाल हो गया था इसका। अब कस्वा नाफत, किस्सा है सुराका बिन मालिक। सुराका बिन मालिक वो शख्स है जिसके बारे में उसने कहा था कि हम तेरे हाथ में जो है वो केसर और किसरा के कंगन देख रहे हैं। तो ये है मदीना, ये है मक्का मुकरमा और वो है मदीना मुनव्वरा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हिजरत के इसी रास्ते से, बेसिकली दो रास्ते थे, ठीक है, ये जो लाइट जली इस रास्ते से हुज़ूर सल्लम गए थे और एक दूसरा रास्ता भी निकलता है, दोनों रास्ते जाके जो है ना एक जगह मिल जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से हिजरत के लिए निकले थे,
रास्ते में एक बुढ़िया मिली थी, उसकी एक बकरी थी आपस वसल्लम का कुछ खाने के लिए। तो बकरी जो है आपस वसल्लम ने उस पर दस्त शफ़क़त फरमाया, तो उसने जो है वो दूध से भर गई और दूध देना शुरू कर दिया। आगे जाके कुफ्फार ने ऐलान कर दिया कि कोई जो भी दोस्त वसल्लम को जाके नऊज़ु बिल्लाह उन पर हमला करेगा, उनको शहीद करेगा, तो उनका इनाम था। तो सुराका बिन मालिक गया था, जब वो दोस्त वसल्लम के सामने आया तो आपने उसको बशारत दी थी कि हम तो तेरे हाथ में कैसे लोग किस तरह कंगन देख रहे। तो आप देख सकते हैं ये कंगन वगैरह भी निशानी के तौर पर यहाँ रखे गए, ये रोल मॉडल है सिर्फ। और इसी तरीके से आगे वसल्लम हजरत करके मस्जिद नबी तक गए थे। तो यहाँ पे प्रॉपर उर्दू गाइड अवेलेबल हैं, तो ये हाईली रिकमेंडेड मैं बोलूँगा कि जगह है मस्जिद ने मदीना मुनव्वरा के अंदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मस्जिद मैं आपको बताऊँ कि ये वो जगह थी कि जहाँ से वेलकेनो निकला था मदीना। ये पूरा शहर मदीना, मतलब ये आगे का हिस्सा पूरा शहर मदीना, मदीना मुनव्वरा की तीन साइडें जली हुई हैं। तो यहाँ से लावा वेलकेनो निकला था, एक मरतबा था उमर फारूक के दौर में और एक दफ़ा कोई 700-800 साल पहले निकला था। तो दूसरी दफ़ा निकला था वो कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी थी, जैसे मदीने की कुछ अतराफ की जो जगहें वो जला दी थी। और आज भी इसके आसार मदीने से अब एयरपोर्ट की साइड जाते तो वहाँ मौजूद हैं, जगह जली हुई, ठीक है। तो बहुत अच्छी जगह है, इसको कहते हैं दार अल मदीना म्यूज़ियम, मुतहफ दार अल मदीना। तो मस्जिद नबी से कोई 10 किलोमीटर की दूरी पे है ये, तो आना चाहिए, हाईली रिकमेंडेड। 25 रियाल का टिकट है और बहुत ही नॉलेज और डिटेल्ड में यहाँ पे कराया जाता है। उर्दू गाइडेंस भी अवेलेबल है यहाँ पे, प्रॉपर आपको लेके चलेंगे, एक एक चीज़ पे लेके जाएंगे, एक एक किस्से को कनेक्ट करके ये आपको बताएंगे। ये देखिए लिखा हुआ है मुजस्समियादी हदीस गज़वा अल-अहज़ाब अल-खंदक, ये गज़वा खंदक के हवाले से मॉडल बना हुआ है, और जिसको गज़वा अहज़ाब भी कहते हैं कुरान में ज़िक्र है, और उसके हवाले से ये सूरत भी लिखी हुई है। अल्लज़ीना मुनस्कुरू नेमतुल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रीहन जुनूदुन अलम तरौहा व काना अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा, सूरह अहज़ाब आया नंबर 8, ठीक है। फिर इसके अलावा मज़ीद भी यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं, मस्ट कम प्लेस है ये मदीना मुनव्वरा के अंदर। और ये है पूरा का पूरा जो मैदान है, ये ओहद का मैदान है, ठीक है। ये है जबले रूमा, जबले रूमा जहाँ पे तीर अंदाज़ों को सलम ने खड़ा किया था, चाहे हम जीत जाएं या जंग ख़त्म हो ना हो, आपने जगह नहीं छोड़नी है। 70 तीर अंदाज़ आप सबने यहाँ खड़े किए थे। ये ओहद का पहाड़ है, ठीक है। और ये वो जगह है जहाँ हुज़ूर सल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए थे, इस जगह पे, ये जगह नहीं, ठीक है, उनके दंदान मुबारक यहाँ पे शहीद हुए थे, ठीक है। और ये कुफ्फार के खेमे थे, ये कुफ्फार का लश्कर था, ये मुसलमानों का लश्कर था, ये मुसलमानों के खेमे थे, ठीक है। और ये ओहद का पहाड़ है, और जब हुज़ूर सल्लम इस गार में गए थे आराम फरमाने के लिए, ठीक है। और ये जो तीर रखी गई है, ये साद बिन अबी वकास की तीर है, उसी का मॉडल है, ठीक है, साद बिन अबी वकास की। ये वाहिद साहबी है जिनके बारे में उसने फरमाया था फिदा का अबी व उम्मी, यानी कि हर साहबी ने उस वसल्लम के लिए कहा कि फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह मेरे बाबा पर कुर्बान। वाहिद साद बिन अबी वकास वो साहबी है जिसके लिए हुज़ूर सल्लम ने कहा कि मेरे माँ बाबा पर कुर्बान। सुबहान अल्लाह, क्या मरतबा होगा इन साहबी का, साद बिन अबी वकास। और खालिद बिन वलीद का ये लश्कर था गज़वा ओहद में, खालिद बिन वलीद उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, तो यहाँ से वो वन बाय वन जंग लड़ते थे, यहाँ से तीर अंदाज़ों ने इनको कंट्रोल किया हुआ था। तो जब ये लोग डर के पीछे हट गए तो इन लोगों ने अपनी जगह छोड़ दी और ये नीचे मालेगनी में समेटने आ गए। खालिद बिन वलीद वहाँ ओहद के पहाड़ पर खड़े थे, उन्होंने वहाँ से देखा कि इन लोगों ने जगह छोड़ दिए, उस ओहद के पहाड़ से जब इन्होंने देखा कि यहाँ जगह छोड़ दिए, तो खालिद बिन वलीद वहाँ से आए और ये पूरा राउंड अबाउट घूम के पीछे से आए, ये जो आप निशाना देख रहे हैं, और पीछे से आके यहाँ के 10 सहाबा-ए-करम को उसने शहीद किया, ठीक है। और हमजा भी यहीं शहीद हुए थे, तो
जिसने उसको शहीद किया था हज़रत हमज़ा को, उसका नाम मेरे जहन में नहीं है, वो भी यहीं पे हज़रत हमज़ा को शहीद किया गया था। और जो वो वहाँ उनकी मालिका थी, उन्होंने कहा था कि जो भी हमज़ा को शहीद करे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को, उनका कलेजा निकाल के मेरे पास लेके आता, वो उनके पास लेके गई थी। तो ये मामला बाद में आके हुए थे, बाद में वो औरत भी मुसलमान हो गई थी फ़तेह मक्का के मौके पर। वसलम ने उसे भी माफ़ कर दिया था और कहा था कि बस मेरे सामने मत आना, क्योंकि तुम्हें देख के मुझे मेरे चचा की याद आती है। तो ये बहुत का थोड़ा बोला जंदान मुबारक जो है ना, यहाँ मेरे कैमरे में देखो, यहाँ शहीद की जगह, ये जगह ठीक है। तो रेड कलर का फ्लैग, वो रेड कलर का फ्लैग नहीं, वाइट कलर का फ्लैग। ठीक है, तो ये औद का पहाड़ है जिसके बारे में उसने कहा कि ये हम इससे मोहब्बत करते हैं, हमसे मोहब्बत करता है, और ये वो जंग थी जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों को नुकसान पहुंचा था। पूरा शहर मदीना का मॉडल है वो जबल औद है। ये पहाड़ इसका नाम नहीं पता, ये मिकात, मस्जिद मिकात के सामने है। ये तीन पहाड़ एक साथ हैं और सामने वो बैलकोनों वाली ज़मीन जो मैंने पिछले मॉडल में दिखाई, ये पूरा इधर मदीना के हदूद है। इसके अंदर दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा इन पहाड़ों पे, यानी कि इन बाउंड्री, ये बाउंड्री है मदीने की, यहाँ फरिश्ते मदीने की हिफाजत के लिए मौजूद हैं, अगर दज्जाल को यहाँ एंटर नहीं होने देंगे। और ये मस्जिदें हैं जहाँ हुसैन ने कभी ना कभी नमाज़ पढ़ी है, कुएँ हैं जहाँ हुसैन ने पानी पिया है। तो ये वो जगहें हैं। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आ गए तो हर सहाबी करने कहा कि आप मेरे घर आए, मेरे घर आए, तो आपने कहा जहाँ मेरी उठनी रुकेगी वहीं पे जो है ना आप रहेंगे। तो आपकी जो उठनी रुकी थी वो दो यतीम बच्चों की जगह थी, वहाँ रुकी थी जहाँ जो नबी शामिल है इस जगह पे। ये उठनी जो थी यहाँ के बैठ गई थी, ये दो यतीमों की जगह थी, तीन बच्चों की, यहाँ आज मस्जिद नबी बनी है। ठीक है, और मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने जो है वो अहले बकी हैं, ये जन्नतुल बकी है। और ये जो है ये मस्जिद नबवी है, और ये पहले इलाका होता था, सहाबा करम रहते थे। आज ये पूरा इलाका, ये पूरा मदीना इस वक्त जो सहाबा करम का घर था, सबका सब आज मस्जिद नबवी की के अंदर आ चुका है। तो पहले इस तरीके से मस्जिद हुआ करती थी जब किबला चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, वो जो सामने इलाका है, वो जो सामने है ये मस्जिद है, और ये जो है ये असहाबे सुफा है, और ये जो है ये बीबी आयशा और बीबी गालिबन एक दूसरी बीबी एक कम, ये और का जो है ना ये कमरा है। फिर उसके बाद जब किबला चेंज हुआ तो मस्जिद फ्लिप कर दी गई। ठीक है, असहाबे सुफा सामने हो गया और यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं नमाज होने लगी। और इसके साथ ही जो है वो हुजरा मुबारक है, तो एक हुजरा बीबी आयशा का है, फिर दूसरा हुजरा जो है वो बीबी फातिमा को दे दिया गया। ठीक है, बाद में फिर मस्जिद की तौसी हुई। ये जो हुई थी मस्जिद नबी गज़वा खैबर में जो माले गनीमत आया उससे जो है इस मस्जिद की एक्सटेंशन की गई। एक्सटेंशन करने के बाद फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया। ठीक है, अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में कोई भी मस्जिद की तौसी नहीं हुई। फिर उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक का दौर आया, हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में मस्जिद की तौसी की गई और असहाबे सुफा का जो एरिया था वो ख़त्म कर दिया गया। फिर जो है वो हज़रत उस्मान गनी का दौर आया और मस्जिद को फर्दर एक्सटेंड किया गया। ठीक है, और फिर इस तरह मस्जिद की फर्दर एक्सटेंशन हुई। जो भी आगे जो हुकूमत आई अब्बासियों का ये गालिबन वक्त था, और फिर ये अब्बासियों का वक्त था। ठीक है, बनो अब्बास की जब हुकूमत आई तब ये हुआ, और फिर जो है मस्जिद की ये एक्सटेंशन हुई और फिर ये एक्सटेंशन हुई। ठीक है, और आज के जो मस्जिद नबी है वो इस शेप में मौजूद है, जिसके अंदर एक वक्त में 10 लाख सहाबी, 10 लाख लोग नमाज़ पढ़ते हैं,
ये जो टॉम है ये इलेक्ट्रॉनिक टॉम्स हैं, खुद बहुत खुलते हैं, बंद होते हैं, ठीक है। और ये वो असल मस्जिद नबी थी जो उस दौर में थी, और ये बाद में एक्सटेंशन है सहाबा कराम के घर से, सब मस्जिद नबी के अंदर ले लिए गए और यहाँ के इस तरफ अहले बक्की होंगे। और ये जो है ये हुजराए बीबी आयशा है, बीबी आयशा घर है जहाँ पर सलाम आराम फरमा है। तो ये उसका मॉडल है कि पहले इस तरीके से उधरा हुआ करता था, ठीक है। फिर बाद में यहाँ की छत थी वो गिर गई थी, ठीक है। छत गिरने के बाद जो है फिर इसको रिनोवेट किया गया, ठीक है। यहाँ ऊपर एक खिड़की हुआ करती थी, ठीक है। और फिर आगे चले तो फिर जो है एक हुक्मरान ने इसकी 5 कोने वाली बाउंड्री वॉल बना दी ताकि ये काबे जैसा भी ना लगे और लोग इसके तवाफ़ भी ना करें, ठीक है। और ये सीसा अप्लाई दीवारें चारों तरफ से इसको पैक कर दिया गया और अंदर जो है वो रोज़ा रसूल है और खिड़की अब भी फिर भी मौजूद रही। फिर अगली हुकूमत ने आके इसके ऊपर कपड़ा पहना दिया, जो रोज़ा रसूल की जाली से नज़र आता है वो यही कपड़ा नज़र आता है हमें। और फिर आगे जाके गुंबद बना दिया गया और ये पूरा हिस्सा जो है यानी कि ये जो 3 जालियाँ आती हैं, 1, 2, 1, 2 और 3 इस तरीके से। फिर ये एक्सटेंशन भी उसके बाद आसमानी बिजली गिरने की वजह से हुजरा मुबारक की जो छत थी वो डैमेज हुई, ठीक है। और फिर उसके बाद दोबारा थोड़ी अब की बार ऊंचा करके गुंबद बना दिया गया और अब मौजूदा वक्त में जो ग्रीन टॉम बना हुआ है ये पूरा एरिया सिर्फ कबर के ऊपर नहीं, ये पूरा एरिया इस ग्रीन टॉम के अंदर आ गया। अभी इसमें देख सकते हैं ये पूरा एरिया जो है वो ग्रीन टॉम के अंदर आ गया। उस वक्त ये वाइट होता करता था और बाद में जो है इसका कलर ग्रीन कर दिया गया, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ग्रीन जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये रियाजुल जन्ना है। उसने फरमाया मेरे घर से मेरे मेंबर का हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बाग है, तो ये रियाजुल जन्ना है। ये वो कुरान है जब उस्मान गनी को शहीद किया गया तो आपका खून कुरान पाक के ऊपर गिरा, उसको कुरान पाक पढ़ रहे थे। ओरिजिनल कुरान तो इस्तांबुल में है तो ये इसकी कॉपी है, ठीक है। और ये जो खून आज भी उस पर मौजूद है, ठीक है, हज़रत उस्मान के वजह से। ये है मॉडल मस्जिद इजाबा का जहाँ हज़रत सल्लम ने 3 दुआएं मांगी थी, जिनमें से 2 कबूल कर ली गई थी और 1 को जो है वो महफूज कर लिया गया था और जिसका जवाब अल्लाह ताला पर बरोज़ क़यामत में देंगे। जिनमें से जो दुआ रोक ली गई थी वो ये थी कि मेरी उम्मत आपस में ना लड़े, ये वो दुआ थी। और यहाँ पे कुछ उसके बारे में हिस्ट्री भी लिखी हुई है। ये है मस्जिद कुबा और ये जो शेप है वो था आफ्टर इट हैज़ बिन रिनोवेटेड इन द रेन ऑफ सऊदी साइट। और ये है मस्जिद मीकात जिसको दरख्त वाली मस्जिद भी कहते हैं, मैं गया भी हूँ यहाँ पे, लोग यहाँ से उम्र का एहराम भी बांधते हैं, ठीक है। इस बार इस विज़िट में जाना नहीं होगा क्योंकि इस बार हम ट्रेन से जाएंगे। तो यहाँ पे हुज़ूर सल्लम दरख्त के साए में बैठा करते थे और अपने उम्र का एहराम भी यहाँ से बांधा करते थे। और ये है मस्जिद गमामा। हाउ लॉन्ग इट इज़ ओल्ड मीन्स दिस the model this is right now, this is not the current one, first one yeah this is the first one. This one, the last one called it mosque al-Qibla. Aur ye hai masjid al-Qibla tain ja Qibla tabdeel hua tha, unke role models yahan rakhe gaye. Aur ab main aapko jo dikhaunga model wo hai ye hujra hai bibi Aisha ka jahan Huzur Sallam aaram farma hai. ये हुजरा इस तरीके का हुआ करता था। ये इनके आराम करने की जगह, ये चटाई है, ये बेड है, मशकीजा है और ये हुजरा मुबारक है।